Made on? क्या बात है, पुराने दिन वापस आ गए क्या? अच्छे लग रहे हो सच में। चलो कुछ देर पैदल चलते हैं। मेरान, ये कागजात अपने सारे कारोबार और जायदाद के हैं। फिरात, देखो मुझे इनकार मत फिरात। मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं हरगिज नहीं चाहता कि अजीज असलान बे के साथ मेरा कोई ताल्लुक रहे। फिरात, अस्मा खाला बहुत परेशान है। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है, मैं भी उदास हूं। मेरी मां का हुक्म पूरा करना मुझ पर वाजिब है, इस हकीकत से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं। बस अब बहुत हो गया, तुम समझ रहे हो ना? इन चीजों पर मेरा नहीं तुम्हारा हक है मीरान। फिरात, मैं भी उदास हूं, मुझे भी बहुत दुख है दादी की वजह से, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसे चलेगा? गोनल ने तुम्हें सब कुछ बता नहीं दिया? तुम अब भी उस घर में किस तरह रह सकते हो मीरान? क्योंकि मैं सबको उस घर में अकेला नहीं छोड़ सकता, सब कुछ वहां छोड़कर नहीं जा सकता कहीं। तुम्हें तो एक एक बात का पता है फिरात। हां फारूक, कैसा घर? नहीं, ऐसा घर खरीदने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अजीजे साहिबा चाहती है ना, तो उन्हें बताओ, मुझे क्यों बता रहे हो? मीरान, संभालो इन्हें, मैं अजीज असलान बे के पास मजीद काम नहीं करना चाहता। फिरात, ना ही मैं कुछ मांग रहा हूं और ना ही तुम्हें कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत है। हम भाई हैं, हम दोनों के दरमियान बंटवारा नहीं हो सकता, समझ गए तुम? हम सब कुछ मिलकर करेंगे। तो फिर तुम्हें भी वो घर छोड़ना होगा। तो ठीक है, मदद करो मेरी वहां से निकलने। जैसा तुम चाहो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कोशिश करूंगा सब कुछ खुद ही कर लूं, लेकिन बस रियान का इंतजार कर रहा हूं, पहले वो आ जाए। सरप्राइज के लिए? अच्छी बात है, वो बहुत खुश होगी। बहुत खुश होगी। तुम कुछ पूछना चाहते थे ना, पूछो। मैं अपनी मां को दफनाने के कागजात देखना चाहता हूं और उनके इंतकाल का सर्टिफिकेट भी, जितना जल्दी मुमकिन हो सके उतना अच्छा है। हाँ, हो जाएगा, मैं करता हूं कुछ, लेकिन किस लिए?